हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल इंटेलिजेंस एकेडमी। नाउ आई एम दिलशाद अली। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेंट्रोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग एंड डेरिवेशन ईटीसी। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे वेंट्रोमीटर। सो वेंट्रोमीटर का जो डेफिनेशन होता है ना, वो क्या है? जनरली एक डिवाइस है जो मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप, ठीक है ना? तो ये क्या मेजर करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से। तो अगर हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए पाइप अगर हमें मेजर करना है, तो हमें उस पाइप में फिट करना पड़ेगा वेंट्रोमीटर। और ये वेंट्रोमीटर का जो डायग्राम है, ये मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है? तो वेंट्रोमीटर में क्या है, ये कुछ इस शेप का डायग्राम होता है जहाँ पर एक बड़ा एरिया होता है और एक छोटा सा नैरो एरिया होता है, और इस एरिया से हमारा जो फ्लूड होता है वो फ्लो होता है। और इस डिवाइस से कनेक्ट करते हैं हम लोग एक मोनोमीटर ट्यूब, डैट इज़ योर मोनोमीटर ट्यूब। और इसमें ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये कुछ डिफरेंट फ्लूड फिल्ड है, और ये फ्लूड होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, ठीक है ना? जिसकी डेंसिटी हम क्या मान लेंगे, रॉ एम, या जनरली रॉ मान सकते हैं, ठीक है? तो अगर हमारे पास यहाँ से कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है, तो वो यहाँ भी जाएगा और यहाँ जाएगा, तो फिर इसको पुश करेगा। ये पुश करेगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो हाइट डिफरेंस है, डैट इज़ योर एच, तो इस एच से मुझे प्रेशर का फ्लो पता चल जाएगा। और फिर यहाँ जिस वेलोसिटी से वाटर फ्लो आउट होगा, फ्लूड जो फ्लोज आउट होगा, वो वेलोसिटी भी हम लोग गेट कर लेंगे। तो मेनली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से V1 इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कर देंगे, ड्राइव कर देंगे। या फिर ये कह लो, यहाँ से अगर V1 से आ रहा है और यहाँ से V2 से निकल रहा है, तो V2 क्या होगा वो हम पता कर लेंगे। तो यहाँ पे एक एरिया ए मान लिया कैपिटल, और एक मान लिया स्मॉल में ए, ठीक है ना? डिवाइस समझ में आ गया तुम लोग को कि डिवाइस क्या है, उसमें कैसे क्या क्या फिट किया है मैंने, कहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या क्या लिया है मैंने, और हमारा एम क्या है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई तुम लोग को? वेलोसिटी पता करना है, रेट ऑफ फ्लो पता करना है मेरे को। करें भाई स्टार्ट? ठीक है, देखो इसमें भी वही चीज़ है, ये ट्रॉसलीज लॉ, वेंट्रोमीटर, ये सब बर्नौलीज के ही एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे बर्नौली या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों चीज़ यूज होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमको मालूम है A1V1 इजिकल टू A2V2 होता है। सो यहाँ से A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, V2 अपॉन V1 आ सकता है, ठीक है? अभी इसको यहीं रहने दो। अगर मान लो ये जो लिक्विड फ्लो हो रही है, इसकी डेंसिटी अगर मेरे पास रॉ है, ठीक है ना? सो मेरे पास अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करूँ, अच्छा यहाँ पे हाइट कुछ भी नहीं है, इसलिए रॉ जी एच वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम हमारे पास ये बस इतना बात आ जाएगा, P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर, ठीक है ना? सिर्फ इतनी बात आ जाएगी मेरे पास, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? हाइट यहाँ पे मैंने कुछ अभी लिया नहीं है, वो बाद में मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है अलग से। वो हाइट मैं ये वाला लूँगा जो डायग्राम में है। और यहाँ से बताओ, मैं V2 भी तो पता कर सकता था कि मेरा V2 क्या होगा। तो मुझे अगर बताओ, मेरे पास A1 है ना, A1 मेरे पास क्या है, कैपिटल ए है, और A2 मेरे पास क्या है, स्मॉल ए है। तो मैं, ठीक है, A1 की जगह कैपिटल ए पुट कर देता हूँ, और स्मॉल A2 की जगह पर स्मॉल ए पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से V2 क्या निकलेगा, V1 को उधर भेज देंगे, तो ये निकल जाएगा मेरा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, V2 पता चल जाएगा मेरा, ठीक है ना भाई? हाँ, ये मेरा A1 है
और ये एरिया मेरा ए टू है। तो पहले मैंने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन से मैंने वी टू पता कर लिया है, उस वी टू को मैं यहाँ बर्नौलीज थ्योरम में अप्लाई करूँगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ वी टू इन अबव इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ वी टू इन अबव इक्वेशन, पुट कर दो तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पर पी वन प्लस हाफ रॉ वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रॉ वी टू स्क्वायर। तो पहले वी क्या है मेरे पास, कैपिटल ए वी वन अपॉन स्मॉल ए, है ना, इस पूरे का क्या है मेरे पास, होल स्क्वायर है। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, इस इक्वेशन कैसे आया? ठीक है, अब क्या करो, वन वाली टर्म एक साइड, टू वाली टर्म एक साइड, मतलब ये काम कर लो, प्रेशर वाली टर्म एक साइड कर लो। तो इधर पी वन है, पी टू को इधर लेके आ जाओ इजिकल टू के, तो ये हो जाएगा माइनस का पी टू, बाकी सारी चीज़ उधर भेज देना। तो इस साइड क्या है मेरे पास, हाफ रॉ, इधर है मेरे पास वन बाई टू रॉ ए वी वन अपॉन स्मॉल ए का होल स्क्वायर, इस चीज़ को मैं उधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा वन बाई टू रॉ वी वन स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन है मेरे पास, है ना, अब जो चीज़ें मेरे पास कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो। तो पी वन माइनस पी टू इजल टू वन बाई टू रॉ कॉमन है और वी वन स्क्वायर, ये दोनों में आ रहा है ना, ये कॉमन है। अगर इतनी बातें निकाल लूँ तो मेरे पास बचेगा क्या, ए अपॉन स्मॉल ए का होल स्क्वायर बचेगा, और इधर तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब चीज़ कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। हेयर प्रेशर एनर्जी क्या होता है, रॉ जी एच ना, प्रेशर एनर्जी होता है पी वी, है ना। और देखो यहाँ पर पी माइनस पी ए, इसको हम मान लेंगे रॉ जी एच, और ये रॉ जो है जो मोनोमीटर में फिल्ड किया है ना मैंने, ये लिक्विड, इस लिक्विड की डेंसिटी जो तुम्हें डिफरेंट कलर से दिखाई दे रहा है, इसकी डेंसिटी हमने मानी है रॉ एम, है ना, मोनोमीटर ट्यूब की जो अंदर लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, उस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की डेंसिटी हमने मान ली है रॉ एम। तो हम यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं पी वन माइनस पी टू इजिकल टू रॉ एम जी एच होता है, तो फिर ये ऊपर वाला इक्वेशन मुझे कैसा दिखाई देगा, रॉ सॉरी रॉ एम जी एच इजिकल टू वन बाई टू रॉ वी वन स्क्वायर और ए अपॉन स्मॉल ए का होल स्क्वायर माइनस वन, इतनी बातें दिखाई दे रही होगी तुम्हें, ठीक है ना। अब हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ वी वन निकाल लेंगे, ये हमें यही कैलकुलेट करना है, यहाँ से वी वन निकाल लेंगे। तो यहाँ से वी वन निकालने के लिए सारी चीज़ उधर भेजनी पड़ेगी, तो एक काम कर दो, पहले तो टू को भेज दो, तो ये हो जाएगा टू रॉ एम जी एच, ठीक है, फिर इस रॉ को नीचे भेज दो उस साइड, तो अपॉन में रॉ ऑफ द फ्लूइड जो पाइप से फ्लो हो रहा है वो आ गया, ठीक है, इतनी बातें आ गई हम लोग के पास। अब इस पूरे टर्म को उधर भेज दो तो अपॉन में चल जाएगा, तो अपॉन में लिखूं या फिर मैं ऐसे लिख दूं ए बाय ए का होल स्क्वायर माइनस वन की पावर माइनस वन, एक ही बात है। तो ये आ गया वी वन स्क्वायर की वैल्यू, अब वी वन स्क्वायर पे से स्क्वायर डाउन हो तो इस साइड क्या आ जाएगा रूट, और इस साइड आ जाएगा माइनस वन बाई टू। तो फाइनली हमने बहुत आसानी आसानी से ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। तो ये हमारा आ गया वी वन, देख लो फटाफट बढ़िया तरीके से कहाँ से क्या कन्वर्ट किया, मैं अभी फिर बता दूंगा अगर पूछोगे तो। बताओ पहले इसमें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें डाइवेशन में, बस वी टू की वैल्यू पुट किया था बर्नौलीज थ्योरम में और फिर उसको सिंप्लीफाइड करके मैंने वी वन निकाल लिया है, इस टाइप यही है। क्या कह रहे हो, वी वन पहले निकाल लेते, लेकिन सुनो मेरी बात, वी वन निकालने के लिए मेरे को मोनोमीटर ट्यूब की जरूरत पड़ी है, ठीक है ना, उसकी हाइट की जरूरत पड़ी है, उसके अंदर जो फ्लूड था उसकी डेंसिटी की जरूरत पड़ी है। तो अगर तुम सब कुछ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकाल लोगे तो फिर इस डाइवेशन का मतलब क्या रह जाएगा, ठीक है, बस यहाँ प्रोसीजर बताओ, यहाँ कोई दिक्कत है तो, यहाँ अगर कुछ समझ नहीं आया तो बताओ मेरे को।
बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना? अंशा शालिनी ठीक है ठीक है। अब देखो मुझे रेट पता करना है ना, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो पता करना है। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है हमारा, ए वन और वी वन, ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो। मतलब ए वी का जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये हमारा कहलाएगा रेट ऑफ फ्लो। तो वी वन तो हम निकाल चुके हैं ठीक है, तो बस ए वी वन की जगह पुट कर दो, तो रेट ऑफ फ्लो क्या जाएगा ए वन, और ये पूरा इक्वेशन लिख दो दोबारा, लिख दें ये जाएगा अंडर रूट टू रॉ एम जी एच अपॉन रॉ ठीक है ना, और ए बाया ए का होल स्क्वायर माइनस वन की पावर माइनस रूट मतलब हाफ, ये आ जाएगा मेरा रेट। इसको हम क्यू से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये चीज़ था आपके पास, वेंट्रोमीटर में वी वन कैसे निकाला, रेट कैसे निकाला। तो फाइनली वेंट्रोमीटर हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब दोनों एप्लीकेशन बनवा के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर जाकर देख लेना, आई बटन पे सारे मैंने लिंक डाल दिए हैं। ओके थैंक यू।